हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फैज एंड यू आर वॉचिंग द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। लाइडार ट्रेनिंग सीरीज़ का ये हमारा वीडियो 4 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ लाइडार सेंसर की, यानी कि किसी भी लाइडार सेंसर को किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन कैसे चेक किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइडार सेंसर। जनरली दो टाइप्स के लाइडार सेंसर होते हैं, मैकेनिकल और दूसरा सॉलिड स्टेट। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। हम सब स्टोरेज डिवाइस का यूज़ तो करते ही हैं और हमें पता है कि अभी के टाइम पे डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क और SSD का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों को यह पता होगा, फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हार्ड डिस्क में मूविंग डिस्क होता है जो कि कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है, पर SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। इसी तरह से जो लाइडार सेंसर में रोटेटिंग पार्ट होता है उसे मैकेनिकल लाइडार, और जो लाइडार सेंसर में रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है उसे सॉलिड स्टेट लाइडार बोलते हैं। तो आइए अब समझते हैं लाइडार सेंसर को सिलेक्शन करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको यूज किया जाता है लाइडार सेंसर सिलेक्शन के टाइम पे। इसके अलावा और कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनको यूज किया जाता है लाइडार सेंसर सिलेक्शन के टाइम पे। फर्स्ट ऑल्टीट्यूड, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड एप्लीकेशन। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइडार के लिए उसका रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से सिलेक्शन से पहले रेंज को देखना जरूरी है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। वेलोडाइन VLP-16 ये एक लाइडार है और ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन। इसमें देख सकते हैं कि लाइडार की रेंज 100 मीटर है, तो ये लाइडार 100 मीटर ऑल्टीट्यूड तक ही काम कर पाएगा या फिर इससे नीचे। इससे ज्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ाई गई तो ये इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा या फिर ये काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए सिलेक्शन के टाइम पे आप ये देख लें कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जहां पे फ्लाई करना चाहते हैं वहां पे आपको कितने हाइट तक फ्लाई आप कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई अदर फैक्टर है। तो आइए बात करते हैं एक्यूरेसी की। जैसा कि आपको पता है, लाइडार सेंसर का यूज करने का ऑब्जेक्टिव ही है हाई एक्यूरेसी। इसलिए लाइडार सेंसर का सिलेक्शन से पहले सेंसर्स की एक्यूरेसी चेक करना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने वेलोडाइन VLP-16 का स्पेक्स देखा था, इसमें भी इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। इसकी एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ±3 सेंटीमीटर है, जो कि हाई एक्यूरेसी क्लास में आती है। इसी तरह से अपनी एक्यूरेसी का जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लाइडार का स्पेसिफिकेशन चेक करें। थर्ड आती है एप्लीकेशन। लाइडार सिलेक्शन के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फॉरेस्ट या फिर आर्कियोलॉजी या फिर टोपोग्राफी सर्वे करते हैं तो कैनोपी पेनिट्रेशन, नंबर ऑफ चैनल्स, लाइडार सेंसर सिलेक्शन का ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। एप्लीकेशन, लाइडार सेंसर सिलेक्शन का ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फॉरेस्ट या फिर आर्कियोलॉजी या फिर टोपोग्राफी सर्वे करते हैं तो कैनोपी पेनिट्रेशन, नंबर ऑफ चैनल्स और ग्राउंड रिटर्न्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि पावर लाइन, रेलवे इंस्पेक्शन, माइनिंग इंस्पेक्शन में नंबर ऑफ रिटर्न लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आ रही हैं, जैसे कि चैनल्स, नंबर ऑफ रिटर्न्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आइए इस बारे में डिस्कशन करते हैं। टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन लाइडार सेंसर स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हमने देखा, लाइडार सेंसर्स के कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जिसे समझना इंपॉर्टेंट है लाइडार सेंसर के सिलेक्शन के लिए। तो आइए इसे बहुत इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैनल की। जनरली ड्रोन लाइडार 8, 16, 32 एंड 128 चैनल्स के होते हैं। चैनल का सिंपल सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ लेजर बीम्स। जनरली लाइडार ड्रोन 8,
16, 32 and 128 चैनल्स के होते हैं। चैनल का सिंपल सा मतलब ये है कि नंबर ऑफ लेजर बीम्स, जो कि कई बार सेंसर का नाम में भी रिफ्लेक्ट होता है, जैसे कि VLP16 यानी 16 चैनल लाइडार। ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। जो लेजर पल्स लाइडार सेंसर से निकलती है वो जमीन से टकराने से पहले दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस सेंसर में जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल वाले जगह पे लेजर लाइट पहले ट्रीज के टॉप से टकराकर वापस सेंसर्स में जाती है, फिर थोड़ा नीचे ट्रीज के ब्रांचेस से टकराती है और इसी तरह से टकराकर ग्राउंड तक पहुंचती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट्स को रिटर्न कहते हैं। टोपोग्राफी, फॉरेस्ट सर्वे, आर्कियोलॉजी, ये सब में नंबर ऑफ रिटर्न्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए अब बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू यानी FOV की। इसको अगर सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो कैमरा या फिर लाइडार सेंसर जितना एरिया कैप्चर करता है, यानी कि जितना मैक्सिमम एरिया कैप्चर कर सकता है बिना कैमरा को मूव किए, उसे FOV कहते हैं। जनरली ये दो टाइप्स की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और इसे डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे कि आप VLP16 की जो स्पेसिफिकेशन है वहां पे भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल FOVs। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में, जहां पे हम लाइडार की एक्यूरेसी के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया है तो अभी जाकर विजिट कर लें, www.droneschools.in, जहाँ पे हम बहुत सारे मैपिंग के कोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आपको फ्री में देखना है तो हमारा चैनल जो है आप इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑलरेडी कंटेंट डाल रखे हैं, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ड्रोन के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।